नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबू जोशी न्योल की YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट टाइमर 5 माह की प्रेग्नेंट बच्चा की पहचान कैसे करें और साथ ही साथ क्या खिलाएं इसमें, क्योंकि बच्चा देने के आगे सिर्फ 4 माह है और 4 माह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय जो पेट में भरा बच्चा होता है ना, वो तेजी से विकास करता है, तो इसके लिए हम पशु को और खास तौर से जो फर्स्ट टाइमर बच्चा देने वाली बच्ची है उसको क्या खिलाएं पिलाएं ताकि उसका जो स्वास्थ्य है वो भी प्रॉपर बना रहे, इसके साथ साथ बच्चे की पूरी ग्रोथ भी हो और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में जब वो बच्चा दे उसके बाद से दूध का उत्पादन भी लगातार ब्यांत दर ब्यांत अच्छा करे। ऐसे में देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमारा जो पशु होता है हम उसकी हीट में आने के बाद AI करवाते हैं या फिर क्रॉस करवाते हैं, तो हमें सबसे पहले तो दिनांक है वो नोट कर लेना चाहिए ताकि ये झंझट ही न रहे कि भाई हमारा जो पशु है वो कितने दिनों का प्रेग्नेंट है, हम डॉक्टर से चेकअप करवाएं या कोई और सिम्टम देखें। देखिए, अगर तारीख नोट करके रखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपने तारीख नोट नहीं करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिम्टम देख करके भी आसानी से पता लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर के, कि 2 माह की अगर बच्चिया प्रेग्नेंट है तो क्या सिम्टम आएंगे, 3 माह की, 4 माह की। उसी प्रकार आज हम बात करेंगे 5 माह की। ये जो आप बच्चिया देख पा रहे हो ये 5 माह की प्रेग्नेंट है। सबसे पहले और सबसे जो स्टिक आपको सिम्टम दिखेंगे वो इसका जो वेट है, इसका जो वजन है वह आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ पेट का जो उभार है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जब 5 माह की गाभिन हो जाएगी बच्चिया तो भूख बहुत ज़्यादा करेगी, ये आप देख सकते हो, ये बहुत तेज़ी से मुँह चला रही है, देखिए, क्योंकि इसमें पेट में भरा बच्चा है वो भी माँ के थ्रू ही अपना जो विकास है वो करता है, तो उसकी भी डोज है ये गाय है वो तैयार कर रही है, यानी ये खाएगी तो उसे भी कुछ मिलेगा, तो इस प्रकार ये भूख है वो ज़्यादा करती है। इसके अलावा प्यास भी ज़्यादा करेगी। और सिम्टम की अगर हम बात करें तो अडर की तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए, 5 माह की जो बच्चा होगी उसका जो अडर है इसका विकास भी काफ़ी हद तक हो चुका होता है। ये देखिए, जब ये 6 माह की हो जाएगी तो यहाँ से ये जो आपको उभार दिखाई दे रहा है ये और ज़्यादा दिखाई देने लगा। ये देखिए, फर्स्ट टाइमर बच्चिया जो 5 माह की प्रेग्नेंट है इस प्रकार का उभार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, और थन है वो टिट है वो देखिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय नज़दीक जाएगा वैसे वैसे टिट है वो लंबे बढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ जो अडर है, जो लेवटी है, जो गादी है उसका भी विकास होगा। यहाँ पे जो दुग्ध ग्रंथियाँ हैं इनका संपूर्ण विकास फर्स्ट टाइमर, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टाइमर बच्ची है उसका जो गादी है, लेवटी है, अच्छा विकास करे, तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसको वाइटमिन या किसी भी अन्य कंपनी की विटामिन एच जिसमें हो, सेलेनियम जिसमें रहता हो, विटामिन D3 हो, वो जो वाइटमिन है वो आप पिला सकते हैं अपने पशु को। 1 लीटर पिलाना है आपको, 10 ml की डोज आप दें अपने पशु को। जब वह पशु आपका 6 माह का हो जाए, लगभग ये 5 माह की, अभी 6 माह यानी 1 महीने बाद अगर हम इसे देना शुरू करेंगे तो इसका जो लेवटी है, जो गादी है, ये काफ़ी अच्छा सुंदर सुडोल दिखाई देगा, तो पशु भी सुंदर लगेगा और साथ ही साथ दूध भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो दुग्ध ग्रंथियाँ हैं वो तेज़ी से विकास करेगी और जो दूध भंडारण की क्षमता है पशु की वो ज़्यादा विकसित होगी, तो आप 1 लीटर वो भी पिला सकते हैं। इसके अलावा आपको जो केयर करनी है, आप अपनी बच्चिया को हरी चारे की मात्रा प्रॉपर रूप से दें, ये ध्यान रखें, जो भी आप सूखा खिला रहे हो इसके अंदर हरा चारा होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हरा चारा है वो इसमें सुपाच्य रहता है पशु के लिए और ख़ास तौर से गर्मियों के अंदर, तो हरा चारा हमें प्रॉपर रूप से देना ही देना है हमारे पशु को। इसके अलावा फीड की अगर हम बात करें तो हमें कम से कम 1.5 किलोग्राम, हो सके तो 2 किलोग्राम, लेकिन 1.5 किलोग्राम तो हमें हर रोज़ हमारे पशु को फीड खिलाना ही खिलाना है। इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की मात्रा प्रॉपर रूप से हो, इसके साथ साथ मिनरल पाउडर, मिनरल पाउडर में 30 से भी ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं छोटे छोटे, जिसमें आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, फास्फोरस होता है, ये सारे जो तत्व होते हैं ये पशु के संपूर्ण विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं और साथ ही साथ जो जननांग होते हैं इसमें पशु के विकसित होते हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है छोटे सूक्ष्म पोषक तत्वों का, तो ये काम भी अवश्य करें। मिनरल पाउडर 50 ग्राम हर रोज दें। इसके अलावा पानी की प्रॉपर रूप से पूर्ति रखें, वो भी साफ़ सुथरा पानी पिलाएं अपने पशु को, ताकि आपका जो पशु है
वो स्वास्थ्य उसका वो प्रॉपर रूप से सही बना रहे, ताकि डिलीवरी के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। खासतौर से जो फर्स्ट टाइमर बच्चियाँ रहती है, जो वह बच्चा देती है, तो जेर अटने की संभावनाएँ रहती है, या फिर कई बार डिस्टोकिया की समस्या आती है, बच्चा फंसने की समस्या रहती है, तो ये सारी समस्या नहीं आएगी अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्व भी फीड के साथ साथ आहार के साथ साथ दे रहे हैं। तो इसके अलावा आप अपने पशु को गर्मियों में एक समय नहला भी सकते हैं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने सिम्टम आपको बता ही दिए कि ये सिम्टम है। बहुत बार क्या होता है कि ये बच्चे अगर आप देखेंगे ना, तो इस बच्चे ने कभी भी AI करवाने के बाद एक बार भी किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज दिखाई नहीं दिया। तो कई बार क्या होता है कि किसान भाई पूछते हैं कि सर हमारी गाय की हमने AI तो करवाई है, लेकिन डिस्चार्ज दिखाई नहीं दिया, तो क्या वो गाभिन है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि गाढ़ा डिस्चार्ज दिखाई दे तभी आप माने कि हमारी जो बच्ची है वो गाभिन है। बिना गाढ़े डिस्चार्ज के भी ये बच्चिया, इसने कभी भी कोई भी सिम्टम वेजेना पार्ट से कभी नज़र नहीं आया किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज। तो ये देखिए आपके सामने है 5 माह की गाभिन, और अभी तो आप इसकी जो लेउटी है, जो ऑर्डर है, इसे आसानी से पता भी लगा सकते हैं। देखिए उभार है वो बनना शुरू हो गया, लालिमा लेने लगा है, देखिए ऑर्डर भी धीरे धीरे इसका जो विकास है वो और तेजी से होगा, क्योंकि अभी ये 5 माह की है। तो इस प्रकार से आप अपनी जो बच्चिया है उसकी पहचान भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको अच्छा खान पान करवा करके और एक दुधारू गाय बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।